इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। इस पूरी सीरीज में तेज गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की और टीम को सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई। सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने टीम में एक बदलाव किया था। रोहित का ये फैसला सही साबित हुआ। इस गेंदबाज ने मैच के शुरुआत में ही तबाही मचा दी और टीम को अहम सफलताएं दिलाईं। रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज के आखिरी मैच में युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया। इस गेंदबाज को रोहित ने पहले दो मैचों में नहीं खिलाया था, लेकिन आखिरी मैच में टीम इंडिया की जीत की नींव मोहम्मद सिराज ने ही रखी। सिराज ने अपने पहले ओवर में दो विकेट हासिल कर ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर तहलका मचा दिया। उन्होंने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया, वहीं आखिरी गेंद पर जो रूट को भी आउट किया। ये दोनों खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल सके। इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया को एक तगड़ा झटका लगा था। घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में पीठ में चोट के चलते बाहर हो गए। उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया। सिराज ने इस मौके का फायदा उठाया और टीम को जीत दिलाने में अपना योगदान दिया। सिराज ने इस मैच में 9 ओवर गेंदबाजी करते हुए 66 रन खर्च किए और दो बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने एक ओवर मिडिन भी फेंका। मोहम्मद सिराज इस समय टीम इंडिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वे टेस्ट टीम में लगातार टीम में जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। इस बार वनडे में मौका मिलते ही उन्होंने अपने आप को वाइड बॉल क्रिकेट में भी साबित कर दिया। उन्होंने भारत के लिए अभी तक 13 टेस्ट मैचों में 40 विकेट, 5 वनडे मैचों में 7 विकेट और वहीं 5 T20 मैचों में 5 विकेट हासिल किए हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्होंने आने वाले समय के लिए वनडे क्रिकेट में भी अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे लाइव सेशन और नए वीडियो के अलर्ट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें।